मानसिक रोगी को कोरोना पीड़ित समझकर पकड़ाया शामगढ़। मंदसौर जिले के शामगढ़ में मानसिक रोगी जो कि शामगढ़ स्टेशन पर 3 दिनों से रह रहा था, उसका मेडिकल चेकअप भी हो चुका था। सामान्य आने पर घूम रहा था कि अचानक खजूरी पंथ नामक गांव जो शामगढ़ के करीब होने के कारण वहां पर पहुंच गया। तो ग्रामीणों ने उसे देखा तो उसकी हरकत कुछ संदिग्ध लगने के कारण ग्रामीणों ने पुलिस को फोन लगाया। पुलिस ने मानसिक रोगी को पकड़ा और उसका चेकअप किया तो नॉर्मल आने के बाद उसे पूछताछ की तो उसने अपना नाम मोहम्मद नजाकत रायबरेली उत्तर प्रदेश का रहने वाला है और उसका मानसिक रोग का इलाज चल रहा है। उसके बाद पुलिस द्वारा उसे शामगढ़ में क्वारंटाइन कर रूप में रखा गया। पुलिस ने बताया कि मानसिक रूप से रोगी व्यक्ति को ईंट भट्टे वाली महिला ने भिखारी समझकर 10 रुपये दिए थे। उन रुपये की उसने बीड़ी ली थी। इस बीच ग्रामीण ने 10 रुपये को लेकर गलतफहमी हो गई। हो जाने के कारण मानसिक रोगी कोरोना रोगी समझ लिया। उसकी पूर्ण रूप से जांच भी नॉर्मल पाया गया। शामगढ़ संवाददाता संदीप चौहान की रिपोर्ट। ये इसको गांव खजूरी पंथ में सूचना मिली थी, वहां जाकर तलाश किया तो जो भी था इसको जांच पर पड़ताल किया गया, उसमें ये अफवाह पाई गई है कि ये क्वारंटाइन वाला है। पूर्व में भी इसकी जांच हो चुकी थी, वो सामान्य पाया गया था। कहां का रहने वाला है ये? राजस्थान का बताया है। अच्छा, नाम है बरेली, राय बरेली का है। अच्छा, ये जो बात उड़ के आ रही थी ये क्या बिल्कुल अफवाह तौर पे क्या? ये बात पूरी अफवाह है। इन्हें पहले भी स्टेशन पे पाया गया था, पहले भी जांच करा ली थी, सामान्य है इसकी। ये व्यक्ति मिला है, इसकी उम्र करीबन 50 से 55 साल के बीच की है और मानसिक रूप से विक्षिप्त है, कम दिमाग का है और 12 साल तक इसका रायबरेली उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। 12 साल तक इसका रायबरेली के शमशाबाद जिला चिकित्सालय में इसका मानसिक रोगी का इलाज भी हुआ है और 3 दिन पहले ये रेलवे स्टेशन पर था। 3 दिन पहले भी मेडिकल टीम इसका मेडिकल कर चुकी है। ये सामान्य रूप से जो टेम्परेचर और सब पाया गया था इसका और मानसिक रूप से कमज़ोर है। आज ये घूमते हुए खजूरी पंथ गांव चला गया था जहाँ 10 रुपये की इसने कोई सामग्री दुकान वालों से खरीदी थी। वो इसके पास 10 रुपये ही थे और इसको 10 रुपये भी कोई ईंट के भट्टे पे कोई बहन काम करती उसने भीख के रूप में दिए थे। उसने कोई खाने की सामग्री समझी थी तो गलत फहमी होगी गाँव के लोगों को। और बेसिकली ये शुद्धतः मानसिक रूप से विक्षिप्त आदमी है। इसका नाम पूछते इसने बताया मोहम्मद नजाकत, मतलब पिता मोहम्मद अमानुल्ला, रायबरेली का रहने वाला है और अभी इसका मेडिकल चेकअप हो गया, स्वस्थ है ये, कोई दिक्कत नहीं इसको। खाना वाना नहीं खाया है, भिखारी है तो अभी खाना भी खिलवा रहे हैं इसको और क्वारंटाइन रूम में रखा गया है निगरानी।